पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार है वाराणसी। कल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। काशी में जश्न का माहौल। पीएम मोदी के दौरे से पहले वाराणसी में सीएम योगी काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण की तैयारियों का लिया जायजा। बीजेपी अध्यक्ष भी साथ में मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी पहुंचे काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ का किया पूजन। कॉरिडोर परिसर का किया निरीक्षण। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे काशी। काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया। एटा दौरे पर रहे सीएम योगी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित। विपक्ष पर बोला हमला। एटा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा हम कहते हैं गन्ना और वो कहते हैं जिन्ना। यूपी में पहले लोकतंत्र नहीं दंगा तंत्र था। कांग्रेस के वंशवाद पर बीजेपी अध्यक्ष का प्रहार। एटा की रैली में बोले नड्डा वंशवाद से जुड़ी है विपक्ष की पार्टियां। करती हैं सिर्फ वोटों की सियासत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रकवि मैत्री शरण गुप्त को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया। सीएम ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बागपत पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सांसद सत्यपाल सिंह के बेटे के रिसेप्शन में पहुंचकर दिया आशीर्वाद। योगी सरकार गरीबों को मुफ्त में दे रही दोगुना राशन। सीएम योगी ने सबसे बड़े राशन वितरण अभियान की शुरुआत की। 80,000 दुकानों पर हो रहा राशन वितरण। लखनऊ में सीएम योगी ने कहा अब लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पहले यूपी में खाद्यान्न घोटाला होता था। राशन वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी का सपा और कांग्रेस पर हमला। कहा पहले सत्ता का दुरुपयोग किया जाता था परियोजनाओं में धांधली होती थी। योगी सरकार की 2,00,000 किसानों को राहत। बाढ़ से नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा का ऐलान। 30 जिलों के 1,82,000 किसानों को मिलेगा मुआवजा। 19 दिसंबर से बीजेपी जन विश्वास यात्रा की करेगी शुरुआत। उत्तर प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों में निकाली जाएगी यात्राएं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबेडकर नगर से करेंगे शुभारंभ। लखनऊ में सीएम आवास पर चुनाव को लेकर हुई बड़ी बैठक। धर्मेंद्र प्रधान सुनील बंसल स्वतंत्र देव सिंह बैठक में रहे मौजूद। पार्टी की यात्राओं पर हुआ मंथन। यूपी बीजेपी का आज और कल विशेष सदस्यता अभियान। प्रदेश के सभी बूथों पर बीजेपी चला रही अभियान। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की मेगा तैयारी। 15 दिसंबर से शुरू करेगी यूपी नंबर 1 सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान। हर विधानसभा क्षेत्र में आकांक्षा पेटी की भी की जाएगी लॉन्चिंग। गाजीपुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। करोड़ों की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। विपक्ष पर साधा निशाना। गाजीपुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा साइकिल इस बार भी पंचर हो जाएगी। सपा बसपा की सरकार में सिर्फ घोटाले होते थे। लखनऊ में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने गरीबों को बांटा निःशुल्क राशन। वजीरगंज के रिवर बैंक कॉलोनी में डिप्टी सीएम ने किया राशन वितरण। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने की प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। अखिलेश यादव पर लगाया घोटाले कराने का आरोप। बस्ती में निजी अस्पताल के उद्घाटन समारोह में पहुंचे सांसद जगदंबिका पाल। कहा लाल और पीली दोनों टोपी मिलकर भी बीजेपी का कुछ नहीं कर पाई। जौनपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहीदों के सम्मान में निकाली तिरंगा यात्रा। शहर के सभी मुख्य मार्गों से होकर गुजरी तिरंगा यात्रा। बहराइच में बीजेपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। बीजेपी उपाध्यक्ष एके शर्मा ने कार्यक्रम में की शिरकत। बहराइच के विकास को लेकर हुई चर्चा। आजमगढ़ में विजय संकल्प जनसभा में पहुंची अनुप्रिया पटेल। कहा पिछड़ा वर्ग मंत्रालय की मांग बरकरार है। जातीय जनगणना की भी पक्षधर है हमारी पार्टी। आगरा में बीजेपी विधायक का बस चलाते वीडियो वायरल। बिना सीट बेल्ट पहने बस चलाते दिखाई दे रहे विधायक जितेंद्र वर्मा। चीनी मिलों के बंद होने के मामले को लेकर मायावती ने ट्वीट पर दी सफाई। लिखा सबकी कमियां हम पर थोप रही सरकार। हमारे कामों को भूले नहीं है किसान। बीएसपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर चले लात घूसे। आगरा के नगला पद्मा में थी बसपा की जनसभा। मंच पर मौजूद थे सतीश चंद्र मिश्र। पूर्व मंत्री हरीशंकर तिवारी के दोनों बेटे सपा में हुए शामिल। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिलाई सदस्यता।
पूर्वांचल के कुछ नेताओं के एसपी में शामिल होने पर बीजेपी का तंज। मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा समाजवादी पार्टी को अपना नाम माफियावादी पार्टी रख लेना चाहिए। सपा में शामिल हुए कुछ नेताओं को लेकर बीजेपी सांसद अशोक वाजपेयी का तंज। कहा बसपा में रहते कुछ नहीं कर पाए, सपा में भी जाकर कुछ नहीं कर पाएंगे। राम गोविंद चौधरी का बीजेपी पर हमला। कहा यूपी सरकार की विफलताओं को ढकने के लिए बार बार पीएम आ रहे हैं उत्तर प्रदेश। डीपी यादव का सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव पर वार, झूठे मुकदमे में फंसाने का लगाया आरोप। बोले मुझे जेल भेजकर किया गया प्रताड़ित। कानपुर के जीआईसी ग्राउंड में हुई ओवैसी की जनसभा। कहा यूपी में हमारी पार्टी 100 सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। ओवैसी ने मंच से सपा पर साधा निशाना। आतिक अहमद की पत्नी का मैसेज पढ़कर सुनाया। आजम के बहाने भड़काऊ भाईजान ने फिर दिया जहरीला बयान। कहा आजम मुसलमान इसलिए सलाखों के पीछे। यूपी सरकार की राशन वितरण योजना पर कांग्रेस का तंज। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा गरीबों को नहीं मिल रहा राशन। महोबा में सरकारी राशन पाने वाले पात्रों में खुशी की लहर। आजमगढ़ में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के महाअभियान की शुरुआत। मार्च 2022 तक दिया जाएगा लोगों को दोगुना राशन। कैराना की किसान महापंचायत में बोले राकेश शिकायत, ना कोई हारा ना कोई जीता। 380 दिनों के बाद सिंगू बॉर्डर से सामने आई राहत भरी तस्वीर। बुलडोजर ने सिंगू बॉर्डर को पूरी तरह से खाली कराया। महाराजगंज में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बॉर्डर पर हुई बैठक। बैठक में भारत और नेपाल के कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद। बरेली का दतिया गांव बना जामताड़ा। 1976 साइबर ठगों ने लोगों को लगाई करोड़ों की चपत। 9 राज्यों की पुलिस कर रही तलाश। कानपुर में ट्रिपल मर्डर के आरोपी डॉक्टर का शव मिला। जाजमऊ के सिद्धनाथ घाट पर मिला डॉक्टर सुशील का शव। फतेहपुर पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा किया है। बेटे ने पैसे देकर पिता की हत्या कराई थी। अमरोहा में लाठी डंडों की पिटाई से बुजुर्ग की अस्पताल में मौत। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। कुशीनगर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 12 बाइकें बरामद की। कन्नौज में डीजे मालिक की धारदार हथियार से हत्या। गांव के बाहर मिला शव। हापुड़ में युवकों की मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मऊ में 2 पक्षों के बीच हुई फायरिंग। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर 3 को किया गिरफ्तार। आगरा में सीएमओ के अकाउंट से निकले हजारों रुपए। सिम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी कस्टमर के नाम से आया था लिंक। अमेठी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान दूल्हा भागा। काफी इंतजार करने के बाद दुल्हन नाराज होकर वापस लौटी। झांसी में ट्रक में आग लगने से लाखों का नुकसान। मौके पर पहुंचकर दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। आजमगढ़ से लखनऊ जा रही बस पेड़ से टकराई। 1 की मौत 5 घायल। सीतापुर से तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर मौत। आगरा में नए कोरोना वेरिएंट को लेकर लोग सतर्क नहीं कर रहे मास्क का इस्तेमाल। कानपुर में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर लोग सतर्क नहीं, कोरोना गाइडलाइंस की उड़ रही धज्जियां। अपराधी भी ले सकेंगे उच्च शिक्षा का ज्ञान। फर्रुखाबाद जेल में शुरू हुआ राष्ट्रीय टंडन विश्वविद्यालय का कोर्स। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी को दी विकास योजनाओं की सौगात। कहा 4 महीने के कार्यकाल में हमने किए 500 विकास से जुड़े फैसले। बिना नाम लिए सीएम धामी का प्रियंका गांधी पर निशाना। कहा जब से देश सीडीएस विपिन रावत का शोक मना रहा था उस समय एक पार्टी के नेता डांस मना रहे थे। देहरादून में कांग्रेस नेता हरीश रावत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गणेश गोदियाल भी पीसी में रहे मौजूद। उत्तरकाशी के विकासखंड नौगांव के ग्राम कृष्णा में देर रात 2 मंजिला मकान जलकर राख। राहुल गांधी की देहरादून में होने वाली रैली की तैयारियां तेज। पूर्व मंत्री यशपाल आर्या ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ तैयारियों की समीक्षा। 18 दिसंबर को होने वाले कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर तंज। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कांग्रेस को अपने शासनकाल को याद करना चाहिए। 14 दिसंबर को दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का काशीपुर दौरा। पार्टी की चौथी गारंटी योजना का करेंगे ऐलान। आप प्रवक्ता नवीन शाली ने धामी सरकार पर बोला हमला। कहा जनता को सशक्त भू कानून की उम्मीद थी। जयपुर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। 5 किलो गांजे के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद धाम में पुलिस की तैनाती।
जनरल बिपिन रावत को भारत रत्न देने की मांग की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने केंद्र सरकार से मांग की। योग गुरु बाबा रामदेव ने सीडीएस जनरल रावत को भारत रत्न देने की मांग की है। दिल्ली के विज्ञान भवन में डिपॉजिट इंस्पिरेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने कहा बैंक संकट में आया तो जमाकर्ता को 5 लाख रुपए जरूर मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा हमें मध्यम और गरीब लोगों की चिंता है, गरीबों की को पेंशन सुविधा से जोड़ा जा रहा है। राजनाथ सिंह ने इंडिया गेट पर स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा अप्रत्यक्ष युद्ध में भारत की जीत होगी, 71 के युद्ध ने इतिहास भूगोल बदला था। स्वर्णिम विजय पर्व में राजनाथ सिंह का बयान, कहा धर्म के आधार पर विभाजन ऐतिहासिक गलती थी। जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली में राहुल का हिंदुत्व को लेकर बड़ा हमला, कहा मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं। हिंदू और हिंदुत्ववादी वाले अपने बयान पर घिरे राहुल गांधी, विश्व हिंदू परिषद ने पूछा सवाल। राहुल गांधी के हिंदुत्ववादी बयान पर बड़ा विवाद, मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल बोले राहुल दादा फिरोज खान की मजार पर जाकर पूछे कि हिंदू हैं या कुछ और। महारैली में प्रियंका गांधी ने कहा मोदी सरकार में गरीबों की सुनवाई नहीं होती, उद्योगपति के लिए काम करती है सरकार। प्रियंका ने पीएम मोदी को पर्यटक बनाया, कहा दुनिया में घूमे लेकिन किसान के पास नहीं आए। जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली, एक मंच में साथ आए गांधी परिवार। महारैली को सीएम गहलोत ने ऐतिहासिक बताया, कहा महंगाई की वजह से हर घर में है सब। कांग्रेस की महारैली पर बीजेपी का कटाक्ष, राजेंद्र राठौड़ ने कहा प्रदेश में सबसे ज्यादा है महंगाई। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जिला उपायुक्त और मंडल आयुक्तों के साथ अहम बैठक। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ बैठक के बाद डॉक्टरों ने स्थगित की 13 दिसंबर की हड़ताल। पंचायत चुनाव से पहले मध्य प्रदेश बीजेपी के सभी 1070 मंडलों में बैठक की गई। जेपीएससी परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी का एक और खुलासा, प्रारंभिक परीक्षा में शामिल 57 अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट हुई गायब। रांची के एचसीईसी में उत्पादन पूरी तरह से ठप, कर्मचारियों की हड़ताल। झारखंड के हजीराबाग में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर होमगार्ड अभ्यर्थी नवनियुक्त अभ्यर्थियों की सूची जारी करने की मांग। पूर्व सीएम रमन सिंह का भूपेश सरकार पर वार, ट्वीट कर पूछा क्या सरकार की संवेदनाएं मर गई हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, दिवंगत पंचायत शिक्षकों के परिवारों ने की अनुकंपा नियुक्ति की मांग। कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून की तैयारी पूरी, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा धर्म परिवर्तन समाज के लिए अच्छा नहीं। चंडीगढ़ में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक, इटली से लौटे 20 साल के युवक में ओमिक्रॉन की पुष्टि। ओमिक्रॉन के देश में अब तक 37 मामले आए सामने। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,774 नए केस आए सामने। एमपी छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना के मामलों ने बढ़ाई टेंशन, 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में आए 40 नए केस। इसराइल से आई गुड न्यूज, ओमिक्रॉन के खिलाफ कारगर है बूस्टर डोज। अमेरिका के 6 राज्यों में टॉर्नेडो ने भारी तबाही मचाई है, 80 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है।